बच्चों आज हम व्याकरण पाठ में संवाद लेखन पढ़ने जा रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में संवाद लेखन 5 अंक का पूछा जाता है और ये संवाद लेखन हम प्रयोग क्यों करते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम कि संवाद किसे कहते हैं। संवाद क्या होता है? जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसे कहते हैं संवाद। और उसी बातचीत को जब हम लिखित रूप देते हैं तो उसको बोला जाता है संवाद लेखन। इसमें क्या होता है, किसी भी विषय पर दो व्यक्ति बातचीत करते हैं और जब हम उसको लिखित रूप देते हैं तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और संवाद लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसको जानते हैं। सबसे पहले आता है विशेषताएं। हम सबसे पहले लेते हैं संबोधन। देखिए संवाद लेखन में संबोधन जब हम करते हैं, जैसे हमारे मित्रों के लिए, हमारे साथियों के लिए, हमारे अपने सगे संबंधियों के लिए जैसा संबोधन हम करते हैं वैसे ही हमने अपने दुश्मन के लिए भी करना चाहिए। और उसके बाद आता है स्वाभाविकता। इसमें क्या होता है, जब हम संवाद लेखन करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक स्वाभाविकता होती है, एक सहजता होती है और उसमें कृत्रिमता नहीं होती। हम उसमें किसी अलग ढंग से अपने विचारों को उलट पलट नहीं कर सकते। उसमें हम अपने दिल की बात बोलते हैं, उसमें सहजता बनी रहती है। उसके बाद आता है इसकी शैली। संवाद लेखन की जो शैली होती है वो शैली कैसी होनी चाहिए, उसमें एक तो प्रभावशीलता होनी चाहिए, यानी कि दूसरे पर थोड़ा प्रभाव डाले ऐसी होनी चाहिए। और इस जो शैली में वो जो शैली है उसमें आदेशात्मक भी हो सकती है, हम कभी कभी आदेश के लिए भी प्रयोग करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कि संवाद लेखन करते समय हमें किन किन महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने चाहिए। अब देखिए जो संवाद लेखन की भाषा है, भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए एक तो, जो सबको समझ में आए। उसके बाद संक्षिप्त होनी चाहिए, ज्यादा लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए और कलात्मक होने चाहिए और एक कला के अनुरूप वो होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा संवाद जो होता है वो किसी न किसी विषय और पात्रों के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें कोई विषय ही नहीं हो और उसमें जो पात्र बोल रहे हैं उसके अनुकूल भाषा ना हो, ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। जैसे हम बोलते रहते हैं कि कहाँ पर हमने रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ठीक है। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं वो थोड़ा रुकते हैं, ठीक है। जहां पर हमें ठहराव चाहिए वहां पर उचित रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद प्रश्नोत्तर शैली, कभी कभी आदेशात्मक शैली का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। संवाद लेखन में हम प्रश्न करते हैं, जब जब प्रश्न पूछते हैं और कुछ आदेश देते हैं तो दोनों तरह की इसमें शैली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा जिस काल में प्रश्न उसी काल में उत्तर दिया जाता है, यानी कि जिस काल में हमसे जो कुछ भी पूछा जाता है हमें उत्तर भी उसी काल में देना होता है। जैसे हमसे वर्तमान में काल पूछा जाता है तो वर्तमान में हम उत्तर देंगे, भूतकाल में हमसे पूछा जाता है तो भूतकाल में हम उत्तर देंगे उसका। उसके बाद आते हैं आदेशात्मक शैली में प्राय उत्तर भूतकाल और वर्तमान काल में दिए जाते हैं, जो
जो आदेशवाक शैली होती है उसमें हम उत्तर किस में देते हैं, भूतकाल और वर्तमान काल में देते हैं। आप इस संवाद लेखन में कहीं कहीं अपने संवाद लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये आपका 5 अंकों का परीक्षा में पूछा जाएगा और आपने संवाद किसी भी विषय पर लिखना होगा। 3-4 विषय आपको दिए जाएंगे जिसमें से एक विषय आप अपनी पसंद से चुनकर उसके ऊपर लिख सकते हैं। धन्यवाद।